अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे पेज पे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। गाइस प्लीज प्लीज जाकर पेज को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। और अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज आपने यूट्यूब को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना। और जैसे कि आप सबको पता है कि इश्किया के एपिसोड 12 हो चुके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको खत्म कर पाऊँ जल्दी से जल्दी, पर क्या करूँ, जॉब इधर उधर सब कुछ काम करने पर है तो नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था एपिसोड 13 इश्किया का, जो कि बहुत जबरदस्त एपिसोड था। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आगे हमजा के साथ क्या होता है और हमना के साथ क्या होता है। क्या रूमी हमजा को चेंज कर पाएगी या क्या चक्कर है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अब। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और फुल डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज पर जाके चेक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो जनाब पहले कर लेते हैं हम क्या कहते हैं इस ड्रामे के सबसे सुस्त तरीन करेक्टर की, जो कि हमना का है। तो हमना का सिर्फ यही रोल था कि स्टार्टिंग में जनाब उसकी सास ने उसकी थोड़ी सी की है हनीमून के चक्कर में, ठीक है। तो वो हनीमून के लिए उसने बोला अजीम भाई जाना जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उसके अम्मा ने पूछा अजीम भाई नहीं, अजीम तुम कहाँ जा रहे हो, उसके अब्बा ने पूछा तो उसने कहा मैं कोई प्लान नहीं बनाया। तो उसके अम्मा ने बड़े गुस्सा किया ये वो के हमजा भी तो है रूमी भी तो है, कहीं उन्होंने प्लान नहीं बनाया, मतलब इसकी माँ फुल इसकी सास है ना, जो फुल खरबूज खरबूज सासें नहीं होती वो है। उसके अलावा बात की जाए तो आधी रात को हमजा ने जनाब इन्हें फोन कर दिया, एक वो बात है। उसके अलावा क्योंकि मैं रूमी की बात करता हूँ सिर्फ एंड में, क्योंकि रूमी इज ऑलवेज बेस्ट। उसके अलावा बात की जाए, कहते हैं हमजा की बहन की वो तो छोटी मोटी फनी करेक्टर है, वो थोड़ी सी आती है खाते पीते आती है, खाते पीते जाते हैं, कॉफी पक रही होती है या कुछ खा रही होती है, ये सीन होता है। उसके अलावा बात की जाए तो हमजा की माँ रूमी के साथ बहुत अच्छी जा रही है। हमजा थोड़ा सा ड्रामा बीच में सेंटी हो गए थे जब इसके अम्मा अब्बा आए थे, ठीक है। तो वो ड्रामा थोड़ा सेंटी हो गए थे, मुझे लगा कि यार क्या हो गया। लेकिन उसके अलावा बात की जाए फुल ड्रामे की, आज का ड्रामा जो कि रूमी, मैं कहता हूँ रूमी इज द मेन करेक्टर इस ड्रामे का। यार वो जो इस ड्रामे में जान डाल देती है ना, कोई नहीं डालता। जैसे कि स्टार्टिंग में सो रही थी, हमजा ने जाना था जिम, ठीक है। तो जनाब इन्होंने उठ के कहा कि मैंने भी जाना है, जाके चाबी लेके चले गए कहीं भाग ना जाओ। फिर आई वापस, हमजा के कपड़े पहने हुए, हमजा के शूज पहने, टिश्यू शिश्यू डाल के जिम में जाके क्या वर्कआउट हो रही है, सेल्फियां ली जा रही हैं। ये ऐसी होती है जिम में इनकी, ठीक है, ये वजन नहीं उठा सकते। उसके अलावा बात की जाए तो ड्रामे का एक बेस्ट सीन जो आज का मैं बताना चाहूंगा, मुझे जो बेस्ट लगा, बेस्ट बेस्ट फुल ऑन बेस्ट इस ड्रामे का सीन, वो था जब हमजा को इसने मोटी सीरी उठा मोटी सूट उठा मोटी सीरी जो जाने के लिए इसने उठाया, तो हमजा ने कहा मैंने नहीं जाना। तो इसने जनाब जाके पर्दे उठा दिए, एसी बंद कर दिया। फिर हमजा कहता है कौन है यार ये, तो उसने कहा बताती हूँ मैं तुम्हें कौन। वो बहुत ही जबरदस्त सीन था, मेरी जगह इसकी जगह अगर कोई और होता तो मेरा सर फाड़ देना कि तुम्हें बताती हूँ, बताऊँ मैं तुम्हें कौन हूँ, बताऊँ मैं तुम्हें, तो ऐसे सीन होने थे। उसके अलावा ड्रामा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मुझे जो चांसेस लग रहे हैं हमजा आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल वगैरह ये वो आ रही है। इस ड्रामे आज पहली बार हमजा की और उसकी नाराजगी हो गई, क्योंकि हमजा को उसने पागल साइको कह दिया कुछ ऐसे। लेकिन अब आगे देखने में पता चलेगा क्या होता है, क्या हमजा हमना की जान छोड़ देगा। मुझे लगता है छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि रूमी बहुत ही अच्छी है। तो आई होप कि ऐसा ही कुछ हो। बाकी आप लोगों से मिलूंगा मैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज 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 फेसबुक को लाइक करिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको सिर्फ रिव्यू मिलेगा। अगर आप फुल रिएक्शन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके प्लीज चेक करिएगा कहाँ पर है। अब आई होप कि आपको बताने की जरूरत नहीं डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह।